ये देखिए वो जो काला पहाड़ है ना, वो पाकिस्तान है, वो काला पहाड़ पाकिस्तान है। तो ये लो, और इसके भी लिए ये लो मैंगो की झूले झूले झूले। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं लालुंग से लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे, और शानदार नज़ारा मिला है यार यहाँ से, बहुत प्यारा नज़ारा मिला है। आपको दिखाता हूँ नज़ारा, और वो है बतालिक सेक्टर। ये गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया इस रूट को, पहले परमिट लेना पड़ता था लेकिन आप विदाउट परमिट आ सकते हैं और इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस। और नज़ारा देखिए नीचे का, बताता हूँ आपको, चलो। तो गाइस देखिए नीचे का नज़ारा, क्या रोड है, वहां से जा रही रोड और ये रोड जा रही है लास्ट तक, और ऊपर है उस साइड में कहीं बतालिक सेक्टर। ये पूरा एरिया बतालिक सेक्टर कहलाता है। तो गाइज ये जो पूरा एरिया है ये बतालिक सेक्टर कहलाता है, आपको मैं बता रहा हूँ, और बहुत ही कम लोग इसे एक्सप्लोर करते हैं। और व्यू देखिए यहाँ के नज़ारे देखिए, बिल्कुल ड्राई माउंटेन। आई थिंक ये जो रेंज है काराकोरम रेंज ही कहलाएगी, क्योंकि इसके उस साइड ही तुरतुक और थांग पॉइंट है नॉर्थ साइड में इसके। सो गाइस हमें परमिशन मिल गई है बतालिक गांव तक जाने की। ओ माय गॉड, क्या व्यू यार, क्या व्यू यार, मतलब हम बहुत लक्की है कि हमें सपोर्ट करा पुलिस वालों ने और आर्मी ने, आप जाओ और देखो। और पुलिस वाले जो थे बॉस मोहम्मद जमील कुछ नाम बताया उन्होंने, वो भी बहुत बढ़िया बंदे थे, उन्होंने कहा आप जाओ और देख के आओ, काला पहाड़ है और यहीं पर जंग हुई थी 1999 की कारगिल वार में, बतालिक का बहुत बड़ा रोल है। हम जा रहे हैं अभी बतालिक की ओर, गांव की ओर। तो देखिए यार लकी रहे हम कि हमें परमिशन मिल गई यहाँ बतालिक तक पहुँचने की। इससे पूछते हैं, हाँ भाई ये आगे कौन सा बतालिक गांव आएगा, ये आगे। कितना आगे, ये आना है। आ गया, फिर आगे थोड़ी जाने देंगे, ठीक है। तो गाइज फंस गए हैं बतालिक गांव, अब नहीं जाने देंगे, आई थिंक आ गया हमें। बस सचिन कहाँ जा रहा है, सचिन पाकिस्तान में घूम रहा है क्या भाई, जल्दी आगे मत जाना भाई पाकिस्तान है। भाई सचिन कहाँ चला गया भाई, आगे नहीं जाने का, आगे पाकिस्तान है भाई। ये बतालिक गांव से आगे क्यों चला गया जा रहा है, हमें परमिशन यहीं तक मिली है। तो देखिए पहली बार नज़ारा बतालिक गांव का। अभी बाइक वाला आया था ना, आगे थोड़ी जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। ये गांव कौन सा है, बस आगे कौन सा गांव आएगा, चुलीचा, वहाँ जा सकते हैं पक्का, कोई पुलिस परमिशन, ओके ठीक है। तो गाइज पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जा सकते हैं, ठीक सर थैंक यू। तो हम जा सक, तो गाइस पहली बार कोई बंदा बतालिक से आगे जा रहा है, बतालिक सेक्टर से आगे जाने की परमिशन किसी को मिली है गाइस। भाई साहब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, नज़ारे देखेंगे यहाँ से चुलीचा।
भाई 2-3 किलोमीटर आगे। हाँ ओ माय गॉड क्या व्यू है गाइस। हाँ तो भाई भाई साहब भाई साहब क्या व्यू है, क्या नजारे, क्या नजारे, क्या नजारे, क्या नजारे, क्या व्यू है भाई। तो ये देखिए वो जो काला पहाड़ है ना वो पाकिस्तान है, वो काला पहाड़ पाकिस्तान है और हम जा रहे हैं चुलीचा तक, चुलीचा गांव तक जा रहे हैं। क्या व्यू यार, क्या जगह है ये जगह कुछ अलग है भाई। पहली बार हम बंदे मतलब बाहर के, यहाँ लोकल तो जाते ही हैं, बाहर के लोग को जाने की परमिशन यहाँ मिल रही है बताली गांव से आगे। गांव का नाम है चुलीचा, चुलीचा नाम है गांव का। और अभी थोड़ा सा लक ने साथ दे दिया हमारा, बाकी तो घंटा मिलता है यार। पुलिस वाले भैया हमारे जो थोड़े से अलग होते हैं तो लपड़ा पटक देते हैं। तो वो जो काला पहाड़ बता रहे हैं, काला पहाड़ आई थिंक वो पाकिस्तान का है ऐसा सुनने में आया है, वो पाकिस्तान है। आगे जाके बात करेगा। तो गाइस वहाँ पर आई थिंक कुछ होए और उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, मुझे यहाँ तक आइडिया है। वहाँ से आगे हम नहीं जा पाएंगे ऐसा लगता है। तो वहाँ पूछ लेंगे परमिशन, तो शायद बतालिक तक ही थी हमारी भी परमिशन, तो हमारी बतालिक तक ही थी, लेकिन हमें यहाँ भेज दिया गांव वालों ने कि जाओ देख के आ जाओ। तो वहाँ से भी परमिशन मिल गई हमें आगे तक जाने की, चुलीचा तक। तो जा रहे हैं आगे। तो गाइस अभी हम बतालिक विलेज को देख के आए और यहाँ से जा रहे हैं दाह की ओर, बियामा संजक खलसे। खलसे यहाँ से 77 किलोमीटर है और यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे आएगा दार्चिक। थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि जहाँ हम पोस्ट पे गए थे चुलील पोस्ट पर, वहाँ पर हमारे भाई जोधपुर के मिल गए और हमें उन जवान जो थे हमारे कमांडर, उन्होंने हमें बिठाया, चाय वाय पिलाई, नाश्ता सा करवाया और दिल खुश हो गया भाई यार, दिल खुश हो गया। तो कोई अपना मिलता यार, मतलब ऐसे बॉर्डर पर तो यार लगता है कि यार उनको लगता है कि यार हमें भी लगता है कि यार हमारा आसपास के पर्सन ऐसे रिमोट एरिया में, टफ एरिया में देश की सेवा कर रहे हैं। तो सलाम हमारे देश के आर्मी को। और उन्होंने बताया जहाँ वो थे वहाँ से लगभग 10,000 फीट पे वो हैं और लगभग 7-8,000 फीट चढ़ाई करनी पड़ती है और उस चढ़ाई पर टॉप पर, मतलब वो माउंटेन का जो टॉप दिख रहा है ना उस टॉप पर 14-14, 15-15 महीने उस पे जवान रुकते हैं और यहाँ से डिफेंस के आदमी खाना पहुंचाते हैं, ऊपर उनका सामान पहुंचाते हैं। तो बहुत ही टफ जॉब है। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि जो हाइट पर बंकर होते हैं, हाइट पर, जैसे कि वो हाइट पर है वहाँ पर हमारे जवान बैठे ऊपर। मैं समझता था कि 2-5-10 दिन तक बैठते होंगे और वापस नीचे आते होंगे, ऐसा नहीं है। वो लगभग 1-1 साल से ऊपर बैठे हुए हैं सभी मौसम में और हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं।